नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ जनपद सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आज केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत पिथौरागढ़ जिला अस्पताल को टॉप 10 की सूची में शामिल किए जाने पर यहां खुशी की लहर है। अस्पताल के टॉप 10 में शामिल होने पर PMS डॉक्टर JS नबियाल सहित चिकित्सालय स्टाफ ने खुशी व्यक्त की है। टॉप 10 सूची में शामिल होने पर जिला चिकित्सालय को 3 लाख की प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होगी। इस योजना को लेकर कायाकल्प टीम द्वारा चिकित्सालयों का निरीक्षण किया जाता है और मरीजों से फीडबैक लिया जाता है। बीते दिनों टीम द्वारा अस्पताल का निरीक्षण कर चिकित्सालय में लागू किए टोकन सिस्टम और ऐप के माध्यम से मरीजों से लिए जाने वाली फीडबैक प्रणाली को काफी सराहा गया। इस उपलब्धि पर PMS डॉक्टर नबियाल ने पूरे स्टाफ को बधाई देते हुए बेहतर सेवा प्रदान करने को लेकर लगातार प्रयासरत रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने इस उपलब्धि को समस्त कर्मियों की मेहनत का फल बताया। इस अवसर पर क्वालिटी मैनेजर चंदन पवार सहित कर्मियों ने खुशी व्यक्त की है। सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत के पिथौरागढ़ मुख्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पहली बार पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिलाध्यक्ष हरीश रावत की अगुवाई में एचुली से वाहन रैली निकाली, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भाजपा कार्यालय में समाप्त हुई। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए संगठन से अधिक युवाओं को जोड़ने व सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री गौरव लडवाल, कुमाऊं सह संयोजक सुखजीत सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरी जोशी, पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, महामंत्री राकेश देवला, जिला मंत्री सौरभ पंत, प्रदेश मंत्री शुभम चंद व रोहित ओझा, अध्यक्ष प्रमिला बोरा, रोहन संदीप बोरा, योगी भट्ट, अजय दसोनी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर कांग्रेसियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाते हुए आज यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर के नेतृत्व में यहां रामला मैदान से मशाल जुलूस निकालकर आक्रोश जताया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पर उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस दौरान हुई सभा को पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी, यूथ का अध्यक्ष अभिषेक बोरा सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा संबोधित किया गया। मशाल जुलूस में दर्जनों कांग्रेसी शामिल थे। पिथौरागढ़ में आज सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे की अध्यक्षता में महासचिव कैलाश जोशी के संचालन में एक बैठक का आयोजन कर विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही मानदेय व लंबित बिलों के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके उपरांत विक्रेताओं ने मांगों को लेकर शीघ्र कार्रवाई किए जाने का एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान विक्रेताओं ने अभी तक मांगों को लेकर कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र उचित कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन के अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि देखिए, आज हम पिथौरागढ़ जनपद के सभी सस्ता गल्ला विक्रेता, लगभग हमारे सभी गोदामों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। आज तो हमने खाली गोदामों के प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुला रखा है। आने वाले समय में हमारे जो 780 विक्रेता है वो सभी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। इसकी घोषणा आज हमारे द्वारा यहाँ पर हमारे गोदामों के गोदाम अध्यक्षों के द्वारा यहाँ पर कर दी गई है। पिथौरागढ़ की चौपाटी में सहकारी बैंक की 30वीं शाखा का शुभारंभ आज स्थानीय विधायक बिशन सिंह चुफाल द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि बैंक की शाखा खुलने से क्षेत्रवासियों को बैंकिंग संबंधी कई लाभ प्राप्त होंगे और बैंक सुविधा को लेकर दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से बैंक की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। इस दौरान सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत ने बैंक द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए विधायक, सहकारी बैंक अध्यक्ष और कर्मियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख बबीता चुपाल, भाजपा नेता भगवान सिंह देवपा, पूर्व प्रमुख हरेन चुपाल, सहकारी बैंक महाप्रबंधक दिग्विजय सिंह, रमेश देवपा, ललित शर्मा, दीपक देवपा, संजय चुपाल, जीवन बुरा सहित सौभाटी क्षेत्र में करीब 2 दर्जन ग्राम पंचायत है। 2 दर्जन ग्राम पंचायतों की मांग लंबे समय से थी कि क्षेत्र में बैंक खोला जाए, तो उसके बाद रिजर्व बैंक से स्वीकृति मिली सहकारी बैंक की। आज उसका शुभारंभ हुआ। इस बैंक के खुलने से यहाँ के लोगों को बहुत उत्साह है। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे। कि सरकार की जो हमारी योजना है, प्रदेश सरकार की, चाहे पुष्कर सिंह धामी की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की योजना हो, उन योजनाओं का लाभ सीधे बैंक के माध्यम से लोगों को मिलेगा। लोगों की आय बढ़ेगी और लोगों की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से प्रदेश की भी आय बढ़ेगी। आज जो बैंक खुला है, इस बैंक से मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा।
पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत उप निरीक्षक मनोज कुमार और कांस्टेबल देवेंद्र सिंह ने महात्मा गांधी रोड में एक होटल में छापेमारी कर संचालक रवि कुमार निवासी कुमोड़ को लोगों को अवैध शराब पिलाने व बेचने पर गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक अस्कोट उमराव सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चालक दीपक कुमार निवासी ग्यारदेवी को शराब के नशे में वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 60 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई कर एक वाहन को सीज किया गया। नैनीताल SSP पंकज भट्ट के आदेशानुसार अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई के चलते हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने चोर गलिया क्षेत्र में कच्ची शराब के जखीरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नैनीताल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष चोर गलिया भगवान सिंह मेहर के नेतृत्व में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए एक शराब तस्कर परमजीत सिंह निवासी नजीबाबाद किच्छा को 140 पाउच अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस टीम में अपर उप निरीक्षक बलवीर सिंह, कांस्टेबल उत्तम सिंह और मलखान सिंह शामिल थे। तवाघाट लिपुलेख मार्ग में फिर पहाड़ी, दरकने से आए मलबे बोल्डर की चपेट में आने से एक सामान ले जा रहा टिप्पर दब गया और चालक लापता हो गया, जिसकी खोजबीन सोमवार शाम तक भी जारी थी। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस एक टिप्पर धारचूला सामान लेकर तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर जा रहा था। इस दौरान गर्भाधार के निकट अचानक पहाड़ी दरकने से विशालकाय बोल्डर व मलवा टिप्पर में गिर गया। बताया जा रहा है कि वाहन को चला रहा चालक हयात सिंह लापता हो गया। हादसे की सूचना पर पांगला पुलिस टीम और SDRF राजस्व दल मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीम द्वारा लापता हुए चालक की खोजबीन तथा मार्ग से मलबे को हटाने को लेकर कार्य जारी था। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार शाम तक रेस्क्यू कार्य जारी था। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। CBSE व UK बोर्ड तथा समस्त पब्लिक स्कूल की पुस्तकें, रिफ्रेशर, NCERT कॉपी, स्टेशनरी, स्कूल बैग थोक रेट में प्राप्त करें। शहर का एकमात्र थोक प्रतिष्ठान मनोज जर्नल स्टोर, पुस्तक विक्रेता, खड़ी गली टकाना रोड, पिथौरागढ़। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।